हरी मटर के कबाब बनाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स, बनेंगे एकदम परफेक्ट। वेलकम एवरीवन, जहां नॉनवेज में तरह तरह के टेस्टी कबाब तैयार किए जाते हैं तो वहीं वेज में मटर के कबाब के स्वाद का टेस्ट का जवाब नहीं है। और हरी चटनी के साथ ये मटर के कबाब बहुत ही टेस्टी लजीज लगते हैं। तो आइए जानते हैं आसानी से और कम समय में बनने वाले इन बेहद ही टेस्टी कबाब को बनाने का तरीका। बनाने से पहले वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने आलू और हरे मटर को मिला करके ये टिकिया बनाई है, जिसे आप कटलेट कबाब या पकोड़े भी कह सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मेरे पास है मटर 500 ग्राम यानी 500 ग्राम और 4 अदद उबले हुए आलू हैं जो कि 500 ग्राम के बराबर हैं। ये दोनों चीज़ हमने बराबर बराबर मेजरमेंट्स के हिसाब से ले लिया है। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। तो पैन को चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन करेंगे। पैन में हम 1 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डालकर इसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हरे धनिए के बीज। ये बीज ऑप्शनली हैं, इन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं। इन बीजों में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और इससे कबाब का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे मटर के दाने। इन मटर के दानों को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर कुक करेंगे। इससे कबाबों में कुरकुरापन क्रंचपन आएगा और ये बहुत अच्छे टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो मटर के दाने 3 मिनट के लिए कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ये थोड़े थोड़े वाइट हो चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन मटर के दानों को हम साइड पर रख करके ठंडा कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम आलू को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक टिप्स दूंगी कि आलू जब भी आप कटलेट्स के लिए बॉयल करें तो 4 से 5 घंटे पहले आलू को बॉयल करके रख लीजिए, या फिर इन्हें बॉयल करके आप फ्रिज में रख लीजिए। ऐसा करने से कटलेट्स जो है आपके बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बनकर तैयार होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा टिप्स है आपके लिए। तो कटलेट्स बनाते समय इस टिप्स को आप फॉलो करके देखिएगा, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। अच्छा, आलू को मैं यहाँ पर बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, जिससे इसमें बिल्कुल भी बड़े पीस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स और देना चाहूँगी कि अगर आपके आलू ज़्यादा गल गए हैं या थोड़े गीले हो गए हैं तो इन्हें आप कद्दूकस करने के बाद फ्रिज में रख लीजिए 1 घंटे के लिए, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इन कटलेट्स के साथ हम हरी मिर्च की चटनी बना करके तैयार करेंगे। तो एक मिक्सी का जार लीजिए और शुरू हो जाइए। तो यहाँ पर मेरे पास है 7 जवे लहसुन के, 6 से 7 हरी मिर्च है, जिसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। जल्दी से आसानी से और कम समय में आपका मन कर रहा हो मसालेदार चटपटा खाने का तो आप इन वेज कबाब को बना करके इस चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है हरे धनिए के थोड़े से बीज। बीज वाला जो हरा धनिया होता है ना, बहुत ही खुशबू वाला होता है, ये मुझे चटनी में बहुत ही पसंद है। इससे चटनी बहुत फ्लेवरफुल और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो मैंने हरा धनिया बारीक बारीक काट कर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है इसमें, और थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार। अब इसका ढक्कन लगा करके इसे हम बारीक पीस लेंगे। चटनी पीसते वक्त अगर आपको लगे तो 3 से 4 टीस्पून इसमें आप पानी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चटनी हमारी पीस चुकी है, इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और चटनी पीसते वक्त इसमें 3 से 4 टीस्पून मैंने पानी ऐड किया था। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस चटनी के साथ ये कबाब। अच्छा, जो मटर हमने कुक करके रखे थे ना, वो आप पूरी तरह से ठंडे हो चले हैं। तो इसी जार में इसे डाल करके हम ग्राइंड करेंगे। इसे मोटा मोटा दरदरा सा हमें ग्राइंड करना है। तो आधे आधे में 2 बार में करके मटर को ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसी तरह से ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने मटर को मोटा दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब इस मटर को हम पलट लेते हैं और बाकी बचे मटर भी इसी में डाल करके मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, मटर को यहाँ पर हमने कुक करके पीसा, इसलिए बहुत टाइट पीस करके तैयार हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा सूखा फरेरा बनकर तैयार हुआ है। अगर हम कच्चे में मटर को पीसते ना और थोड़े से भी ज़्यादा मटर पीस जाते तो लिक्विड फॉर्म में हो जाते, पतले हो जाते। तो यहाँ पर मैंने बाकी बचे मटर को भी मोटा दरदरा पीस करके ले लिया है। अब कबाब को और ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 प्याज बारीक चॉप की हुई, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, बहुत सारा, ये सब इकट्ठे इसमें हम ऐड कर देंगे। मिली जुली सब्जियाँ, हर्ब्स और मसालों से बनाए वेज कटलेट एक बेहतरीन चाय समय का नाश्ता है जो आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएगा। क्या आप जानते हैं कि कटलेट दुनिया भर में खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पॉपुलर स्नैक्स में से एक है। अब शामिल करेंगे पाउडर मसाले। तो चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून कुटी हुई सूखी लाल मिर्च, रोस्टेड जीरा पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून रोस्टेड सौंफ का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक 2 पिंच जितना ऐड करेंगे, सादा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार,
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी आप हरे मटर के कबाब में नमक ऐड कीजिएगा तो कबाब बनाते समय ही इसमें नमक ऐड कीजिएगा। पहले से अगर आप इसमें नमक ऐड करके रख लेंगी और बाद में बनाना चाहेंगी तो ये पतला हो जाएगा और रिज़ल्ट उतना बेस्ट नहीं मिलेगा जितना कि हम चाहते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। अच्छा, अगर आप यहाँ पर चाहें तो 2 से 3 टीस्पून चावल का आटा, बेसन या फिर सूजी और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब दोनों हाथों को तेल से इसे चिकना करेंगे और इसके कबाब बना करके हम तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा अमेजे का पोर्शन लेंगे, जितना बड़े आपको कबाब बना करके तैयार करने हैं उतना उतना, और इस तरह से देखें गोल गोल शेप देते हुए इसके हम कबाब बना करके तैयार कर लेंगे। और इसकी जो किनारे हैं इसे राउंड राउंड करते हुए इसे चिकना कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी क्रेक नहीं होना चाहिए। दोनों हथेलियों से हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के सारे कबाब बना करके रख लेंगे। इन कबाबों को आप शाम के नाश्ते में दही या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसे किसी भी पार्टी, फेस्टिवल या किसी खास गेस्ट के आने पर बना सकते हैं। तो पूरी तरह से हेल्दी और टेस्टी कटलेट्स बनकर के तैयार हो चुके हैं। चूंकि मैंने इन कबाबों में बिल्कुल भी बाइंडिंग के लिए सूजी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो हम इसकी एक अच्छी सी सिलेरी बना करके तैयार करेंगे और इस सिलेरी में इन कबाबों को हम डिप कर करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है। इसकी जगह पर आप चावल का आटा या बेसन या मैदा ऐड कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसकी एक पतली कंटेंसिटी की सिलेरी बना करके तैयार करेंगे, घोल बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतली कंटेंसिटी का घोल बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए इसकी कंटेंसिटी मैं आपको बताती हूँ। इतना पतला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, एक सी कंटेंसिटी का, परफेक्ट। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेड क्रम्स। तो 4-5 ब्रेड की स्लाइस को आप छोटा छोटा पीस में तोड़ करके और मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। लीजिए ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हैं। बहुत इजी है इसे बनाना। अब एक एक कबाब लेकर के इसे जो हमने घोल बनाकर तैयार किया है इसमें डिप करते जाना है और फिर कबाब के ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग करके तैयार करना है। देखिए इसमें अच्छी सी इसकी कोटिंग कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाना है। देखिए इस तरह से एक एक कबाब को हमें डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम की अच्छी सी कोटिंग करना है और कोटिंग करने के बाद इसे प्लेट में रखते जाएंगे। पैन में तेल गर्म करेंगे। यहाँ पर मैं इन कबाबों को शेलो फ्राई करूँगी तो मैंने यहाँ पर कम तेल लिया है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक कबाब लेकर के ड्रॉप करते जाना है। ये देखिए इस तरह से, और एक बार में 4 से 5 कबाब हम फ्राई करके तैयार करेंगे। ये पूरी तरह से हेल्दी है क्योंकि हम इन्हें कम तेल में शेलो फ्राई करके बना रहे हैं। कबाब को हमें बिना पलटे इसी तरह से एक साइड से फ्राई कर लेना है और चूल्हे की आंच को मीडियम पर कर देना है। ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है। इसे पलट कर हम दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। कटलेट अलग अलग तरह के और शेप में आते हैं, लेकिन एक चीज़ सब में इक्वल होती है, वो कुरकुरे और बहुत टेस्टी होते हैं। और ये वेजिटेबल कटलेट एक फ्लेवर बॉम्ब है, सुपर टेस्टी और हेल्दी। कटलेट्स को वापस से पलटेंगे और इसी तरह से पलटते हुए इन्हें हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। तो कटलेट्स यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कटलेट्स का एक बैच मैंने यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर लिया है और दूसरे बैच को भी इसी तरह से हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। हरी चटनी के साथ इन कबाबों को सर्व करेंगे। ये वेजिटेबल कबाब एक अच्छा ऑप्शन है जिसे आप शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी से कम समय में चटपटा, मसालेदार, खाने में टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप शाम के नाश्ते में दही या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसे किसी भी किटी पार्टी, फेस्टिवल या किसी खास गेस्ट के आने पर बना सकते हैं। पूरी तरह से हेल्दी, टेस्टी और फ्लेवरफुल है। तो कबाब पसंद आए हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।